एक नजर, इंडियन शूटर मनु भाकर ने एक बार फिर से गोल्ड जीता है। झज्जर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर शूटिंग में मनु ने गोल्ड मेडल जीता है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही थी और उसी दौरान उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है मनु भाकर ने। तो एक महीने में झज्जर की इस बेटी ने भारत को 3 गोल्ड मेडल दिला दिए हैं। इंडियन शूटर मनु भाकर ने फिर से गोल्ड मेडल जीता है। एक महीना ही हुआ है जब ये तीसरी बार गोल्ड मेडल भारत की झोली में आ चुका है, तो एक अच्छी खबर भारत के लिए, खिलाड़ियों के लिए और भारत का नाम रोशन करने के लिए, क्योंकि एक बार फिर से भारत की बेटी, हरियाणा की बेटी जो कि झज्जर से है, उसने गोल्ड मेडल जीता है और एक महीने में तीसरा गोल्ड मेडल है। आपको बता दें कि जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में अपना दम मनु भाकर ने दिखाया। इससे पहले भी गोल्ड मेडल वो जीत चुकी थी और एक बार फिर से गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है मनु ने। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही थी और इस दौरान गोल्ड मेडल हासिल किया मनु भाकर ने। संवाददाता सनी खन्ना है हमारे साथ। सनी, किस तरह का माहौल परिवार वालों में, एक महीने के अंतराल में तीसरा गोल्ड मेडल बेटी ने जीत लिया है? देखिए पूजा, बिल्कुल एक महीने के अंतराल में मनु भाकर झज्जर की बेटी ने 3 गोल्ड मेडल जीत चुकी है, जो कि आज गोल्डन गर्ल के रूप में उभरी है। हैट्रिक बनाई है मनु ने। रही उसके गाँव के परिवार की बात, पूरा गाँव झूम रहा है, परिवार में खुशियों का माहौल है और बेटी के आगमन को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। पूजा ठीक है, शुक्रिया आपका। तो बेटी कब वापस आएगी और माँ बाप उसे किस तरह से दुलार करते हैं, क्योंकि देश प्रदेश का नाम रोशन किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और तीसरा गोल्ड मेडल भारत की झोली में लाया है।